बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अच्छा माँ व्लॉग्स और मैं हूँ मुराद खान। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा कि मैं अपने जावा और फिंचेस को वीकली डाइट क्या देता हूँ। मतलब मैं जो हूँ पूरे हफ्ते में अपने जावा और फिंचेस को क्या खिलाता हूँ और कौन सी ऐसी डाइट है जिससे माशाल्लाह मुझे बहुत काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है फिंचेस से भी और जावा से भी, और जल्दी ब्रीड आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ वीडियो की तरफ, और जब तक आप लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। तो चलें जल्दी से मैं आप लोगों को अपने फिंचेस और जावा के पास लेके चलता हूँ। जी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज जो है मंडे का दिन है यानी पीर का, और मैं जो हूँ आज सबसे पहले जो है इनके दिन की शुरुआत करवा रहा हूँ अपने जावा और फिंचेस की। ये ग्रीन फ्रूट्स है जिसके अंदर है ये कैरेट, गाजर, हरा धनिया, और ये है इसके अंदर लौकी, और ये तुरई है। तो सबसे पहले आज हम इन्हें ये देंगे और फिर मैं जो हूँ आज आप लोगों से जो है पूरे वीक की इनका जो रूटीन शेयर करूँगा कि मैं पूरे वीक में इन्हें क्या क्या चीज़ें देता हूँ। इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जो हूँ अभी इन्हें सर्व करता हूँ और आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो पूरे वीक की इनकी रूटीन मिलेगी इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स मैं जो हूँ इनके साथ जो जो ग्रीन फूड होता है इनका या फिर जो एग फूड होता है उसको मैं ऐसे ही सर्व नहीं कर देता, उसके अंदर जो हमने जो बनाए थे ये होम मेड कैल्शियम्स जिनकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, ये जो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो डालता हूँ क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा इन्हें फ़ायदा मिलता है और बहुत अच्छी चीज़ है इनके लिए। थोड़ा थोड़ा जो है सारी चीज़ें सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इसके अंदर जो है ऐड करता हूँ। देखिए तो अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। जी तो व्यूअर्स ये मैं जो ग्रीन फूड ले आया हूँ छत पे, अब जो मैं इसके अंदर ये सर्व करूँगा जावा को, देख सकते हैं इस तरीके से सर्व होगा जावा को, और ये इस तरीके से जो है जावा के पास रख दूंगा मैं। देखिए अभी जो इंशाल्लाह थोड़ी देर में खाने आ जाएंगी। जी तो व्यूअर्स हमने जो अपनी फिंचेस के लिए भी जो है ये ग्रीन फूड रख दिया और अब इनको भी सर्व कर देंगे, काफ़ी भूखी भी हैं देखने के लिए रख दिया। और अब जो इंशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह आ गई है फिंचेस खाने के लिए। जी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज जो है ट्यूसडे का दिन है और आज जो है मैं अपने जावा को और फिंचेस को जो है कैल्शियम पी दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ये 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे इसके अंदर और ये जो मिक्स करके इनको जो है जावा को मैं सर्व करता हूँ। जी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज जो है वेडनेसडे और जो है मैं अपने जो है जावा को जो है आज इनके खाने में जो है ये दे रहा हूँ सनफ्लावर सीड सूरजमुखी और जो है थोड़े से जो है सफ़ेद तिल, क्योंकि विंटर चल रहा है तो विंटर में काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होते हैं सफ़ेद तिल। तो इस वजह से मैं जो हूँ वीक में लाजमी एक बार दे रहा हूँ इनको। देखें इस तरीके से इनकी डाइट में मिक्स कर दिया और अब ये इनको सर्व करूँगा। ये देखें दोस्तों किस तरीके से जो माशाल्लाह हमारी जावा जो खाने आ गई हैं और काफ़ी शौक से खाती हैं जो मैंने सीड मिक्स बनवा के इनके लिए लाता हूँ और इन्हें जो सर्व करता हूँ, देखें माशाल्लाह। जी तो दोस्तों अब जो है मैं फिंचेस के पास आ चुका हूँ और फिंचेस को जो है मैं सनफ्लावर सीड नहीं दूँगा, थोड़े से इसके अंदर जो है सफ़ेद तिल मिला देता हूँ क्योंकि सनफ्लावर बीज जो है खा नहीं पाती हैं, काफ़ी छोटा बर्ड है। और अब जो है ये भी इनको इनकी डिश भी इनको सर्व कर देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह फिंचेस भी खाने के लिए आ गई हैं, ये भी काफ़ी भूखी हो रही थी। जी तो दोस्तों आज जो है थर्सडे और मैं जो हूँ आज अपने परिंदों को जो है सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ और इसके अंदर जो मैंने सारे होममेड कैल्शियम जो है मिला दिए थे, अब मैं जल्दी से इनको सर्व करता हूँ। तो आज थोड़ी क्वांटिटी कम थी तो इस वजह से फिंचेस को नहीं दे सका, इंशाल्लाह अब जब दोबारा बनाऊंगा तो फिंचेस को ज़रूर दूंगा। जी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज जो है फ्राइडे है और आज जो है मैं ये लाया हूँ अपने साथ फ़िश कैप्सूल, ये देख सकते हैं एक फ़िश कैप्सूल है और मैंने जो है एक इनके जो दाने का बर्तन होता है ये ले लिया और इसके अंदर जावा का, फिंचेस का और कबूतरों का, तीनों का मैंने दाना ले लिया है। थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी ली है, जितनी मैं जो रोज़ाना देता हूँ उससे डबल क्वांटिटी ली है और एक ये कैप्सूल लिया है फ़िश ऑयल का। तो आज ये देंगे हम इन्हें मिला के इसके अंदर, मैं जो आप लोगों को इसके अंदर कैसे इसको मिलाना है वो भी दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों ये मैंने जो एक निडल ले लिया और इससे जो है मैं सबसे पहले इसके अंदर एक होल करूँगा इस तरीके से, और ये देखें सारा जो है जितना भी ऑयल है ये सब इसके अंदर डाल दिया अब मैंने, और इसको जो है मैं अच्छी तरीके से एक स्टिक की मदद से मिक्स कर लूँगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है कि जो है कहीं से भी दाना जो है सूखा ना रह जाए
अक्सर जो ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर जो है ये कैप्सूल मिक्स हो जाता है और कोई कोई जगह जो है रह जाती है। तो अच्छे तरीके से जो है आप लोगों ने दाने को मिक्स करना है। हाँ जी, तो दोस्तों अब जो है मैं इनको सर्व कर रहा हूँ जावा को, देख सकते हैं आप लोग। देखिए अभी सर्व कर दिया इनको जी। तो दोस्तों देखें आप लोग, माशाल्लाह जावा काफ़ी ज़्यादा भूखे थे और ये आ गए खाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इससे जो इंशाल्लाह हमारे पास अच्छी और प्रॉपर ब्रीड आएगी और अंडे जो है इनके एग्स जो होते हैं वो अनफर्टाइल जो होते हैं, तो इस कैप्सूल की वजह से इंशाल्लाह फर्टाइल एग्स आने लग जाएंगे आप लोगों के पास भी। जी तो दोस्तों आज जो है सैटरडे और आज जो है मैं अपने परिंदों को जो एग फूड बना के देने लगा हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने जो है हाफ से ज़्यादा ही एग ले लिया और ये देख सकते हैं आप लोग, ये है एक पापा लिया मैंने और थोड़ा सा उसके अंदर जो है बन मिलाया और उसको जो है बिल्कुल मैश करके ब्रेड क्रम्स टाइप बना लिया और अब जो है सारा इसके अंदर ऐड कर लेंगे ये देखें इस तरीके से। और अब जो है इस एग को जो है इसके अंदर मैश कर लेंगे जी। तो दोस्तों एग को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को मैश कर लेना है, आप लोग हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं और आप लोग जो है किसी फॉर्क या स्पून से भी कर सकते हैं। हाथ से करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है, ये बिल्कुल इसके अंदर मिल जाता है इसके साथ और बिल्कुल जो है यकजान हो जाता है जी। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैंने अपनी फिंचेस को ये दे दिया है एग फूड और अब जो है मैं इनको जो सर्व कर देता हूँ। ये देखिए मैंने जो अपनी फिंचेस के लिए रख दिया और जब इनका दिल चाहेगा तो ये खा लेंगी। वैसे अभी जो एक फिंच जो है आ भी गई है देखिए माशाल्लाह, और ये काफ़ी शौक से खाती है, इनका फेवरेट भी है ये, और विंटर में लाजमी देना चाहिए, बल्कि जो समर में भी हम लोग दे सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है जी। तो दोस्तों मैंने जो है जावा को भी सर्व कर दिया है ये सॉफ्ट फूड और इस तरीके से हमारा जो है सैटरडे का भी ये डे कम्प्लीट होता है, इनकी जो डाइट होती है। अब इंशाल्लाह आप लोग संडे का दिखाना रहता है बस जी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज जो है संडे है और आज जो है मैंने अपने जावा को जो है नॉर्मल मिक्स जो दाना देता हूँ वही दिया है और आज मैंने इन्हें कोई भी सप्लीमेंट नहीं दिया, देख सकते हैं माशाल्लाह। वन वीक में जो है मैंने इनको जो जो ट्राई कराया वो सब आप लोगों को बता दिया और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिज़ल्ट भी मिलना शुरू हो गया इससे और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारे सेटअप पर ब्रीड आएगी। तो दोस्तों आज जो है मेरे चैनल का जो चैलेंज था काफ़ी हार्ड चैलेंज था दोस्तों, क्योंकि टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है वीडियो वगैरह बनाना और आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल दिखाना भी ज़रूरी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने अपना चैलेंज जो है कम्प्लीट कर लिया वन वीक वाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो जो हमारी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।